Hey guys, welcome back to a new video. आज की इस वीडियो में हम MSI iPlayer के एक एरर के बारे में बात करेंगे। अगर आपके पास MSI iPlayer में फ्री फायर ओपन नहीं होती या फिर ओपन होने के बाद ऑटो बैग या क्रैश हो जाती है तो इस प्रॉब्लम को हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको जो सोल्यूशन प्रोवाइड करने वाला हूँ ये MSI iPlayer के सभी वर्जन पे काम करेगा। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले आप लोग MSI iPlayer के उस वाले वर्जन को ओपन करेंगे जिसमें आप लोगों को ये वाली प्रॉब्लम आ रही होगी। एमुलेटर को ओपन करने के बाद इसमें हम लोग फ्री फायर को ओपन कर लेंगे। फ्री फायर ओपन करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि लॉबी में हल्का फुल्का लैग देखने को मिलेगा। साथ ही मेरे पीसी में ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है लेकिन उसके बावजूद मेरे पास यहाँ पे 50 से 60 FPS आ रहे हैं। जब भी फ्री फायर में आप लोगों के पास ऑटो बैग या फिर क्रैश वाली प्रॉब्लम आती है तो इसमें आप लोगों के FPS भी डिक्रीज हो जाते हैं, साथ ही आप लोगों को फ्री फायर में ब्लैक स्क्रीन भी देखने को मिलती है। यहाँ पे फ्री फायर आप लोगों की लॉबी में स्टक के बाद ऑटोमेटिकली बैक हो जाती है। जैसे ही फ्री फायर ऑटो बैक होगी तो इसको हम लोग यहाँ से बंद कर देंगे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए MSI iPlayer की ये जो लॉन्चर वाली फाइल होगी इस पे आप लोग राइट क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे सेकंड नंबर पे एक ऑप्शन होगा ओपन फाइल लोकेशन का। ओपन फाइल लोकेशन पे क्लिक करने के बाद आप लोग उस फोल्डर में रीडायरेक्ट होंगे जहाँ पे MSI iPlayer इंस्टॉल हुआ होगा। यहाँ पे ये जो MSI iPlayer की मल्टी इंस्टेंस मैनेजर वाली फाइल होगी इस पे आप लोग राइट क्लिक करेंगे एंड इसका एक शॉर्टकट हम लोग डेस्कटॉप पे बना लेंगे। मोस्टली ये होता है कि MSI iPlayer के केस में मल्टी इंस्टेंस वाली फाइल आप लोगों को डेस्कटॉप पे देखने को नहीं मिलती। इस वाले शॉर्टकट को डेस्कटॉप पे लाने के बाद इसको हम लोग ओपन करेंगे। बैकग्राउंड पे हमारे पास जो MSI iPlayer चल रहा होगा स्टॉप पे क्लिक करके इसको हम लोग बंद कर देंगे। उसके बाद आप लोग ये जो इंस्टेंस है इसको सिलेक्ट करने के बाद अगर बॉटम पे देखेंगे तो यहाँ पे डिस्क क्लीनअप का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जिस पे क्लिक करने के बाद आप लोग कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे ये जो डिस्क क्लीनअप वाला प्रोसेस होगा इसको आप लोगों ने पूरा होने देना है। इसमें आप लोगों को 20 से 30 सेकंड लग जाएंगे। जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट होगा तो आप लोग ओके पे क्लिक करेंगे। दोबारा से मल्टी इंस्टेंस मैनेजर को ओपन करने के बाद इसमें ये जो MSI iPlayer है इसके आगे ये जो स्टार्ट वाला ऑप्शन होगा इस पे क्लिक कर देंगे जिससे हमारा एमुलेटर लॉन्च हो जाएगा। एमुलेटर को ओपन करने के बाद इसकी जो सेटिंग्स होंगी इनको हम लोग ओपन कर लेंगे। सबसे पहले अगर आप लोग परफॉर्मेंस में आते हैं तो इस एमुलेटर को हम लोग 2 कोर्स और 2 GB रैम असाइन कर देंगे। डिस्प्ले के बाद सबसे इम्पोर्टेंट सेटिंग है ग्राफिक वाली। इसमें ये जो रेंडरिंग मोड होता है अगर आप लोगों को ये वाली प्रॉब्लम डायरेक्ट एक्स में आती है तो आप लोग OpenGL या फिर Vulkan को चूज कर लेंगे, लेकिन अगर आप लोगों को फ्री फायर की ऑटो बैग या फिर क्रैश वाली प्रॉब्लम ओपन जीएल में आती है तो फिर आप लोग डायरेक्ट एक्स या फिर Vulkan को चूज कर लेंगे। रेंडरिंग मोड को चेंज करने के बाद इंटरफेस रेंडरर को हम लोग सॉफ्टवेयर पे सेट करेंगे। सेव चेंजेस पे क्लिक करके MSI iPlayer को एक बार रिस्टार्ट कर लेंगे ताकि इसमें ये जो ग्राफिक वाली सेटिंग है वो अप्लाई हो सके। एमुलेटर को रिस्टार्ट करने के बाद बाकी जो इसमें सेटिंग्स मैंने की हुई है वो भी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। ये MSI iPlayer का एक लेटेस्ट वर्जन है। इस तरह से एमुलेटर सेटिंग्स को भी आप लोग बंद करेंगे एंड इसकी जो एंड्रॉइड सेटिंग्स होती हैं इनको आप लोग ओपन कर लेंगे। इसमें ये जो एप्स वाला सेक्शन है इसको आप लोग ओपन करेंगे। आप लोगों ने MSI iPlayer के केस में ये जो प्ले स्टोर आता है इसको डिसेबल कर देना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद सबसे पहले तो हम लोग इसको फर्स्ट ऑफ करेंगे ताकि ये बैकग्राउंड से रन करना बंद कर दे। उसके बाद स्टोरेज में जाने के बाद इसकी कैशे एंड डाटा फाइल्स को क्लियर कर देंगे। लास्ट में आप लोग यहाँ पे डिसेबल पे क्लिक करके प्ले स्टोर डिसेबल कर देंगे। मैंने पहले से प्ले स्टोर डिसेबल किया हुआ है इसलिए यहाँ पे मेरे पास अनेबल का ऑप्शन है। प्ले स्टोर डिसेबल करने के बाद अभी आप लोग फ्री फायर की जो एप्लीकेशन फाइल होती है इसको ओपन करेंगे। सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आप लोग स्टोरेज में जाएंगे, इसकी कैशे फाइल्स को क्लियर कर देंगे। याद रहे आप लोगों ने इसकी स्टोरेज फाइल्स को क्लियर नहीं करना, इससे आप लोगों का जो एक्सपेंशन पैक होता है वो गेम में डिलीट हो जाएगा। अभी आप एंड्रॉइड सेटिंग्स को बंद करने के बाद फ्री फायर ओपन कर लेंगे। जैसे आप लोग फ्री फायर ओपन करेंगे तो इस बार आप लोगों को जो पहले FPS 50 या 60 आ रहे थे वो अभी आप लोगों को 200+ देखने को मिलेंगे। सो गाइस जब तक फ्री फायर ओपन होती है जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर देना, और आप लोगों में से जितने भी लोग चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। इस तरह से ये चेंजेस करने के बाद अभी आप लोगों को फ्री फायर में ऑटो बैग या फिर क्रैश वाली प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। साथ ही जो FPS पहले आप लोगों के कम आ रहे थे वो भी अभी आप लोगों के गेम में ज्यादा आना स्टार्ट हो जाएंगे। सो गाइस इस तरह से आप लोग इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए इजीली MSI iPlayer में ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। फिर भी अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो या अगर आप लोगों को कोई भी चीज समझ ना आई हो तो आप लोग नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के हर कमेंट का टाइमली आंसर कर सकूं। सो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप लोग चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।